children, welcome to the Limra Convent School. First of all, very very congratulations आप सभी को कि आप सभी बच्चे 6th standard तक आ चुके हैं. So 6th तक आ गए हैं, इसके आगे भी वैसे ही पढ़ाई continue करनी है, उसके लिए हम लोग online study start करते हैं, ठीक है. So today we gonna start from class 6 and the subject is science. So here is your syllabus and here is your chapter. तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर विच नेम इज़ वेयर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. मतलब पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है, खाने के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है. खाने के बारे में पढ़ना है और खाना हम लोगों को कहाँ कहाँ से आता है, खाना किस तरीके से बनता है, कहाँ से मिलता है, कौन लोग हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हम लोगों तक खाना को प्रोवाइड करती है, हम लोगों तक खाना को पहुँचाती है, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन, वी ऑल नीड फूड. हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम सबको ही फूड की ज़रूरत है. इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको फूड की ज़रूरत है, ठीक है. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की ज़रूरत है. विदाउट इट, इसके बिना द बॉडी कैन नॉट ग्रो और परफॉर्म एट इट्स बेस्ट. द ऑर्गन स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली एंड द बॉडी इवेंचुअली डाइज. अगर हम लोग फूड नहीं गेट करते हैं, अगर हम लोग फूड नहीं खाते हैं, फूड नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे ढंग से, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंसान बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है तो वो मर भी सकता है, ठीक है. फूड सप्लाईज न्यूट्रिएंट्स. अब फूड हम लोगों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, बिना फूड के हम लोग क्यों नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि फूड सप्लाईज न्यूट्रिएंट्स. जो फूड होता है वो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स सप्लाईज करता है हमारे बॉडी को, विच आर यूज्ड बाई एवरी सेल इन बॉडी एज बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल. फूड जो होता है वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, जो कि हमारे बॉडी का हर एक सेल उसको यूज़ करता है बिल्डिंग मटेरियल या फिर फ्यूल की तरह. जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अगर एक बाइक है या फिर अगर मान लो कि हमारे पास एक गैस है, ठीक है, घर में सभी के गैस होता है, गैस में सिलेंडर में जब तक हम लोग गैस नहीं भरेंगे, जब तक हम लोग फ्यूल नहीं भरेंगे उसमें, तब तक क्या वो गैस ओपन हो पाएगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसको भी फ्यूल की ज़रूरत है. उसी तरीके से फूड भी हम लोगों के लिए एक तरह का फ्यूल ही है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का फ्यूल है. जब तक फूड हमारे बॉडी में इंटर नहीं करेगा तब तक हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा. इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन मर भी सकता है, ठीक है. From birth, living things start growing, gaining, waiting and changing. जन्म से ही जब भी इंसान का या फिर जब भी किसी बेबी का जन्म होता है तब से ही वो जो लिविंग थिंग होते हैं, जिस भी चीज़ का जन्म होता है तब से ही वो लिविंग बीइंग ग्रो करने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं, गेनिंग वेट, उनके वज़न भी बढ़ने लगते हैं और उनके शेप्स भी चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड स्टोर इन देयर स्पेशल ऑर्गन्स एज फ्रूट्स, ट्यूबर्स, सीड्स एट्सेट्रा. हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्लांट्स भी एक तरह का लिविंग थिंग ही है, तो प्लांट्स जो होता है वो भी अपना फूड खुद ही तैयार करता है, और वो अपने फूड को स्टोर कहाँ पे करता है, एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं उनके, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, सीड्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जैसे कि स्टेम हो गए या फिर रूट हो गए, वैसी जगहों पर प्लांट्स अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दिस स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट. और यही स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, जो प्लांट अपने अंदर में स्टोर करके रखता है, उसी पर सारे जीव जंतु निर्भर करते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, वो सब उसी प्लांट के स्टोर्ड फूड पर निर्भर करते हैं. बिगर एनिमल्स डिपेंड ऑन स्मॉलर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जितने भी बड़े जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों पर निर्भर करते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका शिकार तो वही है, तो वो उन पर निर्भर करते हैं. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड. ह्यूमन बींग्स जो इंसान होते हैं वो प्लांट्स पर तो डिपेंड करते ही करते हैं, वो तो उनका मेन सोर्स है, और प्लस वो एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं खाने के लिए, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, पिज़्ज़ा या फिर फ्रूट्स. अब जैसे यहाँ पे वेजिटेबल है, वेजिटेबल हम लोगों को प्लांट से मिल गया,
पिज़्ज़ा हम लोगों को प्लांट से मिल गया, फ्रूट्स हम लोगों को प्लांट से मिल गया, लेकिन यहाँ पर मिल्क और एग, ये जो दो सोर्सेज हैं फूड के, ये हम लोगों को क्या प्लांट से मिला है? नहीं, ये हम लोगों को एनिमल्स से मिला है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं और प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब फूड हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है, हम लोग ये देखते हैं। फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी, फूड हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, अगर हमारे पास फूड नहीं होगा तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। फूड हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड हेल्प अस इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, हमारे गुड हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फिर स्वास्थ्य मेंटेन नहीं रहेगा, हमारा गुड हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगा और धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां इससे उत्पन्न होने लगती हैं। तो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को गुड फूड कंज्यूम करना है ताकि हमारे हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? सो मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो एक फूड को, एक खाने को तैयार करने में लगते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, और फिर क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो सब क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए चाय बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी मटेरियल्स जो एक फूड बनाने के लिए प्रिपेयर, जो एक फूड बनाने के लिए चाहिए होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, एन इंग्रेडिएंट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्सचर दैट इज़ एडेड टू प्रिपेयर अ डिश। इंग्रेडिएंट को हम लोग एक मिक्सचर बोल सकते हैं कि एक डिश को प्रिपेयर करने का एक मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जितने भी स्पाइसेस है, स्पाइसेस मतलब मसाला होता है, जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए एक फूड को तैयार करने के लिए। उसी तरीके से टू और मोर देन टू इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम भी तो दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इंग्रेडिएंट्स कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। अब वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोगों को कहाँ से प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड करेगा? तो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को प्लांट के सोर्सेज से भी मिल सकता है और एनिमल्स के सोर्सेज से भी मिल सकता है, जैसे कि वेजिटेबल, सॉल्ट, वाटर एंड स्पाइसेस आर यूज इन कुकिंग वेजिटेबल करी। सो वेजिटेबल, सॉल्ट, वाटर एंड स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेजिटेबल करी। जिस तरीके से चाय का एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से आपके बुक में एग्जांपल है एक वेजिटेबल करी का। एक वेजिटेबल करी बनाने के लिए हम लोग को वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए और कुछ स्पाइसेस चाहिए। तो वेजिटेबल करी के लिए ये चारों चीज़ क्या हो गए? इनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। आप समझ में आए इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? एक डिश को प्रिपेयर करने में जितने भी मटेरियल्स लगते हैं उनको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अपने अपने घर में सेफ रहिए।